आम खबर से आगाह करें, सिंध में रोटेशन पर अफसरान के तबादले का तनाजा हल ना हो सका। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत में कहा है कि मुशावरत के बावजूद किए गए तबादलों पर हुकूमत सिंध अब तक अमल दरामद नहीं कर रही। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान के तबादले किए गए थे। इसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध से 3 बार मुशावरत हो चुकी है, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से मुशावरत के बावजूद ना ही कोई जवाब दिया गया है और ना ही कोई इस पर अमल किया जा रहा है। बल्कि सिंध के अलावा पंजाब और केबीके में तैनात अफसरान का तबादला किया गया था, जिस पर अमल दरामद कर दिया गया है। वजीर आला सिंध की जानिब से एतराज किया गया था। इस पर उनका कहना था कि सिविल सर्विसेज रूल 1954 के मुताबिक सिंध हुकूमत का जवाब मुनासिब नहीं, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से मुशावरत के बावजूद अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए KNN न्यूज़।